हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक फिट फाट हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैंने कल जो है व्लॉग अपलोड किया था, तो आप कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उन लोगों को थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर नहीं किया, वो अभी के अभी जाकर करें और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए। तो आज जो हमारी वीडियो है, पहले भी हमारी वीडियो प्रैंक की थी और आज भी हमारी प्रैंक की वीडियो है। मतलब कि आज मैं करने जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ प्रैंक। मैं जो है अपने हाथ जो है, मतलब कि जैसे कोई किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो हाथ काटता है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं हूँ ही सिंगल, तो मैं जो है पायोडीन लगाऊंगी और मैं जो है सिस्टर को बोलूंगी कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा वैसे ही हाथ जो है कटा हुआ सबको नज़र आए, तो मैं जो है पायोडीन लगाऊंगी और सबको बोलूंगी कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। तो आज जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन सबको मुझ पर यकीन है कि मैं ऐसी गर्ल नहीं हूँ। तो देखते हैं क्या क्या होता है, सबके रिएक्शन क्या आते हैं और देखते हैं सिस्टर का रिएक्शन क्या आता है। वो मुझे तो भूल गई तुमने क्या किया है। बस आप लोग एंड तक मस्त देखना, तो इसमें व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मेरे पास आ गई है पायोडीन और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस साइड में करूँ या इस साइड में करूँ कट। तू मतलब कि कट तो मैं नहीं दूंगी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरा आज तक ऐसा वो नहीं आया दिन कि मैं अपने हैंड पे कट दूं या कुछ ऐसा करूं, और मैं आगे भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं। तो अभी जो है बस अपना प्रैंक जो है स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, मैं बोल रही हूँ कि पहले जो है पेन का निशान करूँ फिर मैं डालूँ। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे सही नहीं लग रहा शायद। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये कट लग ही नहीं रहा। ये मैं हैंड वॉश करके जो है पहले पेन का निशान लगाऊँगी, फिर मैं वो कर रही हूँ, फिर ये पायोडीन लगाऊँगी, फिर सही लग रही पेन। पहले मैं जो है निशान लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर जो है ये पायोडीन लगाती हूँ। क्या होगा, बिल्कुल नहीं लग रहा। वेट, मैं इसको सुखा कर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मतलब कि फुल कट लगा कर दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। कट नहीं, सॉरी, और ये निशान लगा कर दिखाती हूँ। तो भाई जो कट था वो लग गया है, ये देखिए लग रहा है कि ब्लड वो है, हो रही है। तो बस जैसा भी है दिखाएंगे अभी कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। बस मुझे ये डर है कि मेरी हंसी ना निकल आए। तो चलते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो है कट आ गया है, मैंने खुद कट किया है क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ है। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो मैं एक बात बता रही हूँ, वो तुम किसी को नहीं बताना, ठीक है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बिठा दिया है और मैं जो है अपनी सिस्टर को एक बात बताऊंगी। पहले तो सुनो, ये अपनी कैमरा बंद करो, उसके बाद ही सब कुछ बताओ मुझे। अच्छा चलो, मैं कैमरा बंद करती हूँ। मैं एक बात बता रही हूँ, वो तुम मम्मी पापा या किसी को नहीं बताओगी। हाँ नहीं बताऊंगी, सिर्फ तुमको ही बता रही हूँ। पहले प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। हाँ नहीं बताऊंगी, जल्दी पहले बताओ। प्रॉमिस करो, जल्दी बताओ, नहीं बताऊंगी। पहले प्रॉमिस करो। यश तुम ये साइड करो, एक बात बताऊँ, किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ नहीं बताऊंगी, मैं एक लड़के से बात करती थी। पागल हो, पागल हो, बस ऐसे ही करती थी। हम करते ही जो तुम कर रही हो, और उसकी वजह से मैंने कट लगाया। पागल हो, ये तुमको ये क्या किया है? उठो चलो पापा के पास दिखाओ, हमने ये कभी काम किए? उसने छोड़ दिया मुझे तो
उठो जिया चलो मम्मी पापा के पास उठो जिया उठो। नहीं समझ आ रही क्या यार, दूसरी भी लगाऊं? ओवर हो गई हो जस्ट प्रिंक, तुमने मुझे चप्पल लगाई क्या जस्ट प्रिंक? ये देखो क्या है, ये लगाओ मैं तेरे मुंह पर, मुझे इतनी थप्पड़ लगाई है, मेरे आंसू निकलने आ मुझसे अभी बोला नहीं जा रहा। अरे कैसे कैसे, और मैं आप लोगों को लड़की दिखा रही हूँ, मुझे देख के सिर रही, इसने क्या किया क्या है वो मुझे देख के सिर रही, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये मुझसे मुझे कब से देख रही है कि इसको हुआ क्या है। अरे अनिका ये देखो, तो ये था जस्ट मेरा प्रैंक, और इसको अभी मैं लगाती हूँ ना थप्पड़े, ये मुझे लगाई है इसने, ये जुड़ा प्रैंक था। ऐसा प्रैंक कौन करता है? मैं लगता भी है कि मैं किसी से बात करती हूँ जो तुमने मुझे इतनी थप्पड़े लगाई अभी, मैं तो मुझे क्या पता, मुझे तो ये रियल लग रहा था ना, ये देखो ये रियल नहीं लग रहा, तो मैंने प्रैंक करने के लिए मैंने ये किया था और तुमने मुझे थप्पड़ मार दी। हाँ तो क्यों मिला बचा, आप लोगों की वजह से मैंने ये थप्पड़े मंजूर किए अपने आपके ऊपर, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। तो भाई मैंने इतनी हंसी कंट्रोल की, इतनी हंसी कंट्रोल की, वो मुझे पता है मुझे, बस मैंने कहा जिया चुप करो जिया चुप करो, इतनी हंसी आती है ऐसी ऐसी करके हंस रही थी, और बस इसकी वजह से तो मैंने बाल जो है ये ऐसे किए थे, ऐसे ऐसे हंस रही थी। तो क्या करें, आप लोगों को, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने किया, ऐसे मैं कभी नहीं करूँगी ना मैंने किया है। क्या मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो मुझे चोट लगी है, इधर आए ये देखिए मुझे चोट लगी है, ये मुझे चोट लगी है, ये देखें मुझे चोट लगी है, यहाँ पे मेहंदी लगा हुआ है, ये मेहंदी नहीं है, ये चोट लगी है मुझे, ये चोट लगी है अनिका, मुझे चोट लगी है, ये बोल रही है मेहंदी लगाई है तुमने, क्या करें। सबको मैंने मैंने इसको भी प्रैंक बनाया, इस छोटी बेचारी बच्ची को, और मैंने अपनी सिस्टर को भी प्रैंक किया, तो उसने बोला कि तुमने मेहंदी लगाई है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मैंने मेहंदी नहीं लगाई, और क्या कर सकते हैं, मैंने आप लोगों की वजह से ये मैंने प्रैंक किया। ये बोल रही है कि तुमने मेहंदी लगाई है, ये भाई मैंने मेहंदी नहीं लगाई। अनिका के चरे व्या, अनिका के चरे व्या, अनिका के चरे व्या, चरे व्या। तो मैं जो है इस व्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ, इस व्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने बहुत ज़्यादा चमाटे खाई, क्या कर सकते हैं, आप लोगों की वजह से मैंने आज चमाटे खाई हैं। आप लोगों को मैंने बोला कि मैं आप लोगों की वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने आप लोगों की वजह से चमाटे खाई, क्या कर सकते हैं, मंजूर है आप लोगों के लिए, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करना, और ऐसी वीडियो मतलब कि ऐसे मुझे थप्पड़े वाली वीडियो आएँ तो आप लोग कमेंट्स में बताना ज़रूर, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो अल्लाह हाफिज़। आज मैंने इतनी हंसी कंट्रोल की है, बस मैं बता नहीं सकती, तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।